हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेई मेन 2024 में सर्टेन रिलेशन से पूछे गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम ये है, ए इक्वल टू 1 to 10 एक सेट है, एज विद द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए के सारे सबसेट को एस बोला है, एंड आर इक्वल टू द रिलेशन ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू एस। ए बी सेट्स है एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 होना है, देन ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड ट्रांजिटिव कौन सा रिलेशन होगा वो देखना है। सॉल्यूशन एस जो है एस ए के सबसेट है, एस में ए होगा, ए बिलोंग टू एस इफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए। यूजुअली सबसेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, फिर भी यहाँ पे बोला गया है तो स्मॉल लेटर यूज कर रहा है। एक एलिमेंट एस में होगा इफ वो ए का सबसेट हो, तो 5 बिलोंग्स टू एस है क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बट 5 इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स 5 जो ये जो 5 जो 5 के साथ रिलेटेड नहीं होगा आर में, जो आर का एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कैंसिल हो गया। सिमेट्रिक लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर होने से ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 है, सो यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए भी नॉट इक्वल टू 5 होगा। दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स सिमेट्रिक होगा। ओनली का बात पता नहीं, इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, 1 2 ये जो सेट है बिलोंग्स टू एस, 2 3 बिलोंग्स टू एस, एंड 3 4 बिलोंग्स टू एस। तो ये और ये दोनों के बीच में, ये अगर ए है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 आ रहा है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। उसी प्रकार बी एंड सी का इंटरसेक्शन में 3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5 हुआ, तो बी सी बिलोंग्स टू आर। बट ए एंड सी का इंटरसेक्शन लेने से 5 है, तो ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। दैट मीन्स ये ओनली सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो आंसर होगा बी। तो ये प्रॉब्लम का आंसर बी है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।